संगठन रीति नीति और गाइडलाइंस चलता है, हमारे विचार पे काम करने वाले लोगों को, उस विचार पे काम करने के साथ साथ अगर कोई आदमी भटक जाता है तो उसके लिए संगठन कुछ नहीं कर सकता, हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति स्वतः है अगर महत्वाकांक्षा लेकर कोई काम करता है तो संगठन की उस गाइडलाइन से बाहर हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे वो की है, तो संगठन में रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते, संगठन में रहते हुए हमको उस गाइडलाइन का पालन करना होता है, अगर उस गाइडलाइन का पालन नहीं करते तो संगठन उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। और इसलिए हमने जो जो भी आवश्यक कदम उठाना था हमने किया है, मैंने खुद ने एशियन जारी किया है और उस एशियन के परिप्रेक्ष्य में ही संबंधित जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो बहुत सारी बातें करते हैं, और उन लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की है जो संगठन के हित में नहीं है, इसलिए ऊपर से गाइडलाइन है हमको और इसलिए हमको भेजा है कि इस स्थिति में संगठन को कोई क्षति न पहुँचे, इसलिए ऐसे लोगों को पहले से बाहर कर दिया। परंपरा के अनुसार व्यवस्थाएँ होती है, हर 3 साल में हमारा अधिवेशन होता है जिसमें नवीन कार्यकारिणी कमेटी गठन होता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में चूँकि हमारा कार्यकाल थोड़ा सा लेट हो चुका है, कुछ विषम परिस्थितियाँ थी, इसलिए अभी नवीन कमेटी गठित करने के लिए हमने 13 और 14 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम करते हुए त्रिपुरा राज्य कविता संघ का सम्मेलन आयोजित किया है। उसमें आने वाले 3 वर्षों के लिए नवीन कमेटी गठित होगी जो पूरे त्रिपुरा राज्य में कर्मचारी हितों के लिए बात करेगी और सरकार के साथ अपना मेमोरेंडम पेश करेगी और सरकार से मांग भी करेगी कि हमें क्योंकि कोई भी संगठन यहाँ मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए कर्मचारी के हितों के लिए केवल और केवल त्रिपुरा राज्य कर्मचारी महासंघ, त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ ही ऐसा है जो कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता है, और हम सरकार से मांग करेंगे इन्हें मान्यता प्रदान की जाए। उसका एक प्रस्ताव भी हम इस सम्मेलन में प्रस्ताव पास करेंगे, सरकार को मेमोरेंडम के रूप में देंगे। साथ ही और अन्य मांगे जो कर्मचारियों की होती है जिसमें DA है, NPS से OPS है, आपकी वेतन सैलरी स्केल वाली है, ऐसी बहुत सारी विभिन्न मांगे हैं, उसका भी मेमोरेंडम सरकार को हम देंगे और इस साधारण सभा में उसको प्रस्ताव पास कर देंगे। कौन आएंगे इस पर? इसमें हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं माननीय MP सिंह साहब, वो हमारी GNC के प्रभारी भी हैं और भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। साथ में मैं राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के हमारे जो सभापति हैं माननीय विपिन जी डोगरा, वो भी उपस्थित रहेंगे। साथ में यहाँ के प्रभारी शंकरदेव जी, सुतपा कर जी जो कि नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे और यहाँ सारे कर्मचारी रहेंगे, साथ में मैं भी रहूँगा। हम पिछले 7-8 तारीख से यहाँ प्रवास पे हैं, सारे जिलों प्रवास कर रहे हैं, सारे कर्मचारियों से मिल रहे हैं, चर्चाएँ हो रही है और चर्चा के माध्यम से उनके बीच में जो कुछ चीज़ें आ रही है मांगों के संबंध में, उनके विचारों के संबंध में सारी चर्चाएँ करके वहीं स्थानीय स्तर पर सब जूनियर स्तर पर जाकर हम बातें कर रहे हैं और सब में काफ़ी उत्साह है और आने वाले समय में हमारा ये जो अधिवेशन बहुत भव्य रूप से सम्पन्न होने जा रहा है। रिया डाक से ले बाबा। কত দিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার, তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত, তোকে দিলাম দেখ। प्रोफाइल गुड चॉइस। तुम्हारो राधा कृष्ण ज्वेलरी, भालो लगाए भालोबास।